बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में मेजबानों ने भारतीय टीम को 31 रनों से हराया। इस मैच में कई बार ऐसा लगा कि भारतीय टीम ये मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारतीय टीम ये मैच हार गई। तो आखिर इस मैच में भारतीय टीम के हार की वजह क्या थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस बात का खुलासा पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने किया है। दरअसल गावस्कर ने टीम इंडिया की हार का ठीकरा प्रैक्टिस मैच की कमी पर फोड़ा। एक इंटरव्यू में गावस्कर ने बर्मिंघम में खेले गए पहले मैच के बारे में बात करते हुए कहा, टेस्ट क्रिकेट में उतरने से पहले टीम 5 दिनों की क्रिकेट से छुट्टी नहीं ले सकती। टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में उतरने से पहले पर्याप्त संख्या में प्रैक्टिस मैच खेलने चाहिए थे। सफेद गेंद जरा भी स्विंग नहीं होती, आधे दर्जन ओवर और उसके बाद तक उसमें जरा भी स्विंग नजर नहीं आता, लेकिन लाल गेंद काफी स्विंग होता है। ऐसे में जब आप वनडे और T20 के बाद टेस्ट खेलने उतरे हों तो लाल गेंद से खेलने के लिए आप पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकते। हमने टेस्ट मैच में देखा कि 40वें और 50वें ओवर में भी गेंद हवा में काफ़ी स्विंग होता है। ऐसे में साफ है कि आपको प्रैक्टिस मैच की काफ़ी ज़रूरत है। आपको बता दें, टीम इंडिया को एसेक्स के खिलाफ एक प्रैक्टिस मैच खेलने को मिला था। टीम ने इसे 4 दिन से घटाकर 3 दिन का कर दिया था। इस पर बात करते हुए गावस्कर ने कहा, हम थ्रो डाउन से प्रैक्टिस को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन मैदान में खेलते हुए प्रैक्टिस करना और थ्रो डाउन से प्रैक्टिस करने में काफी अंतर होता है। भारतीय टीम को कम से कम 2-3 दिवसीय मैच खेलने चाहिए थे। प्रैक्टिस मैच को भी टेस्ट मैच की तरह खेलना चाहिए था। बहरहाल टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच 9 अगस्त से लॉर्ड्स के मैदान पर खेलना है। पहले मैच में हुई गलतियों से उभर कर टीम इंडिया इस मैच को जीत सीरीज में वापसी करना चाहेगी।